बात है। और मैं तो मानती हूँ कि पिक्चर का पूरा बनना ही बापा का आशीर्वाद है। गाना बहुत बहुत अच्छा है और ऑडियंस का प्यार रहा, सहयोग रहा, तो ये गाना बरसों बरस ज़रूर चलेगा। आपके प्रोडक्शन हाउस के बारे में क्या कहना है? मेरा नाम हिमांगिनी पटाड़िया है, ये मैं प्रोड्यूसर हूँ इस पिक्चर की, और मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है शैलोम फिल्म्स इंटरनेशनल। तो ये मेरे प्रोडक्शन हाउस में बन रही पहली मूवी है। उल्टे पिक्चर के बारे में कुछ और आप कहना चाहेंगे? उल्टे बहुत बहुत अच्छी स्टोरी लाइन पर बना हुआ पिक्चर है। यानी जब आप ऑडियंस जब जाती है देखने, तो वो हमेशा सोचती है मेरे 200 रुपये की टिकट, 300 रुपये की टिकट। तो मेरी कोशिश यही रही है इस मूवी में कि इंसान को लगे कि ये 200 रुपये बस अच्छा क्या कमाल हो गया, यू नो, एक हैप्पी फीलिंग के साथ वो बाहर निकलने चाहिए, कि उसे वर्थ लगनी चाहिए कि ये मूवी वर्थ थी देखनी। सब्जेक्ट है कुछ अलग है जी, तो कुछ अलग मतलब इसमें क्या है जो पसंद इसमें ये आएगा कि इसमें रहस्य खुलते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ये मूवी में ड्रामा है, थ्रिलर है, उस तरीके से ये मूवी में एक सस्पेंस है। कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स में होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होती कि ये कैसे होती है। कुछ मुद्दे आपको पता होते हैं कि होते हैं, लेकिन कैसे किए जाते हैं ये नहीं पता होता। रोहित तो पापा के आशीर्वाद है कि दोनों चीज़ें एक साथ बैठ गई। अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में हमारे पास सबसे सीनियर में है फिरोज जी, फिर वी हैव आदि ईरानी, वी हैव अरुण बख्शी, वी हैव मुस्ता खान जी, एंड वी हैव जीत उपेंद्र जी, और हमारी फीमेल लीड में है किरण आचार्य, और हमारे जो हीरो हैं मूवी के, उनकी पहली वाइफ का रोल कर रही है फाल्गुनी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है, और ये गणपति का आपने बोला कि गाना अभी डाला हुआ है, सबसे पहले हमने गाना बनाया और उसके साथ फिल्म बनाई, तो गाना अलग से डाला हुआ नहीं है, उसकी डिमांड भी है। और फिल्म के साथ हम लोग पहले ही सोचा ही था कि महाराष्ट्र बैकग्राउंड है तो गाना ये गणपति का होना ही चाहिए, पहले वही सोचा, उसके साथ में हमने फिल्म बनाई है। प्रोडक्शन हाउस मेरा प्रोडक्शन हाउस का नाम है जीनी एंटरटेनमेंट, और शैलम फिल्म इंटरनेशनल, और हमारा दोनों का साथ में मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं हम लोग। और ये फिल्म नॉर्मल से बहुत हटके है, मतलब जब आप बोल रहे हो कि पॉलिटिकल है, ये है, वो है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्विस्ट है, जो लोगों को हर एक चीज़ में आपको एक्साइट करेंगे कि अभी क्या होगा। तो मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जैसे सुनने में आ रहा है कि पॉलिटिकल सटायर फिल्म है जी, और इसमें कुछ बोगस वोटिंग को लेकर बताया गया है जी, जी क्या है वो, थोड़ी सी जानकारी देना इसके बारे में? जी जानकारी मैं आपको ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी, वो तो आप मूवी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बोगस वोटिंग होती कैसे है। हालांकि हम हमेशा बात करते रहते हैं कि बोगस वोटिंग हो गई या ऐसे हो गया या वैसे हो गया, लेकिन ये कैसे होता है ये इस फिल्म में दर्शाया जाता है। तो जैसे AVM वगैरह को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, ऐसा ही कुछ है क्या इसका? अरे वो सब कुछ मैं बोल दूंगी तो कैसे चलेगा, लेकिन AVM के ऊपर नहीं है ये, मतलब ये AVM या बैलेट पेपर पे नहीं है, जो तरीके से बोगस वोटिंग होती है उसके ऊपर बताया। बेसिकली हम है ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, ना ही हम हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रहे हैं, हम एक्चुअली एक नॉर्मल क्लीन मूवी बना रहे हैं, जो ऑडियंस के जहन में कभी कभी कुछ प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न को एक एंटरटेनमेंट के द्वारा, एक एंटरटेनमेंट के तरीके से हम बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेटिव भी है और साथ ही साथ उनको वो बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि ये कैसे है। लोग ये फिल्म ज़रूर देखिए, आप मुझे ज़रूर प्यार दीजिए। ये फिल्म देखने के बाद मतलब ये फिल्म ऐसी है कि आप जब देखने जाओगे तो आपको हर एक मोड़ पे ऐसा लगेगा अभी आगे क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्मल फिल्म है ही नहीं, तो उसकी वजह से आपको अच्छा लगेगा और आप खुश होकर बाहर आओगे, उसकी हमारी गारंटी। हम लोग फिल्म उल्टे, उत्तम राव लक्ष्मण राव तेंदुलकर, जो फिल्म हमारी अभी सिर्फ सॉन्ग शेड्यूल्स है दो दिन के यहाँ बम्बई में, वो ख़त्म हो गए और उसके बाद फिल्म सितंबर में रिलीज़ होगी। हमारी फिल्म में गणपति बाप्पा का एक गाना है जो आप इस वक्त सेट पे आए हो, बड़ा प्यारा गाना है, सुनने का आप सबको बहुत पसंद आएगा। किस कलाकार की अगर बात करें या कहानी की बात करें तो थोड़ा सा जानकारी दें क्या है? हाँ, थोड़ा सा दर्शकों सटायर कहा जा रहा है, जानकारी जरा उस पर थोड़ा सा जानकारी। पॉलिटिकल सटायर इस तरह है कि हम लोग जो आम जिंदगी में जब वोट के लिए नेता आते हैं और वोट के बाद वो 5 साल के बीच में नेता किस तरह हमारे साथ मतदारों के साथ कार्यशैली रखते हैं,
सभी नेताओं की बात नहीं है, लेकिन कुछ नेताओं को हमने पॉलिटिकल सटायर में लिया है। और इस फिल्म का सबसे बड़ा एक है कि बोगस वोटर। सर, मेरे सभी कलाकार एक सभी समझो लीड में ही है, जीत उपेंद्र जी, अरुण बख्शी जी, मुश्ताक खान साहब, फिरोज ईरानी, अडी ईरानी और भी काफ़ी बहुत सारे कलाकार, किरण आचार्य, फाल्गुनी राजानी, इस तरह बहुत से कॉम्बो है, मल्टी एक्टर्स है कि स्क्रिप्ट ही इसका हीरो है। रात को भी कुछ गाने होने वाले हैं, वो क्या है उसके बारे में? सर जी, रात को एक प्यारा सा अरुण बख्शी का लिखा और गाया हुआ एक आइटम नंबर जैसा लेकिन डिस्को पैपी सॉन्ग है, जो फिल्म का एक हिस्सा है कि आजकल के यंगस्टर्स जो है हमने उनको भी एंटरटेन करने का ख्याल रख कर इस गाने को हम पिक्चराइज करने जा रहे हैं। वो मुश्ताक खान साहब, अरुण बख्शी जी और अडी ईरानी साहब के ऊपर है, और किरण आचार्य जी जो इसमें लीड कर रही है वो भी एक हिस्सा है इस गाने का। और गाना बड़ा प्यारा है, बेबी को दो पैक पिलाओ, बेबी का मूड नहीं है। मतलब जी, चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से जब ये फिल्म लगेगी, लोग क्यों देखें और क्यों पार्ट बने इसको? अपील तो यही करूँगा कि जो भी फिल्म बनती है वो ऑडियंस के लिए बनती है। अगर आप 100 रुपये की चाइनीज वॉच भी लेते हो तो 6 महीने की वारंटी गारंटी मिलती है, तो मैं 200-300 की टिकट में 2 घंटे की एंटरटेनमेंट की तो गारंटी दे रहा हूँ कि वो लोग सचमुच एंटरटेन हो गए। और आखिर जो ऑडियंस है वही भगवान है, वो सिनेमा में आती है, फिल्म पसंद आती है, फिर औरों को भेजती है, फिर और आते हैं और फिर आप लोग के माध्यम से हम लोग स्टार बन जाते हैं। आखिरी सवाल, आपके दो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म में, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरे दोनों प्रोड्यूसर, एक तो सैलम फिल्म इंटरनेशनल जो हेमांगिनी जी है और दूसरे जीनी एंटरटेनमेंट जो जीत कुमार जी है, दोनों कॉरपोरेट मेकर्स है, एक अच्छे विजन के साथ आए हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स आगे भी इनबिल्ड है। और इस कहानी में जो प्रोड्यूसर की तरफ से सहयोग चाहिए, योगदान चाहिए, उससे कई अधिक गुना ज़्यादा प्रोड्यूसरों ने फिल्म के बेहतर बनाने में जान डाली है। थैंक यू। ऑडियो गाना मिला तो गाना बहुत बढ़िया, बहुत मतलब तो क्रिएटिव वर्क करने को इच्छा हुई, और सिचुएशन के हिसाब से जो जीत भाई का कैरेक्टर उसको पकड़ के मैंने ग्राफ बनाया, जीत भाई को ही मतलब सेंटर रखा मैंने, तो मेरे लिए तो ये मेरे ख्याल से ये पहला गाना है जो इतना अच्छा पिक्चर है इसके। मैंने तो बड़ा लेवेश गाना चल रहा है यहाँ पे, गुलाल है, तमाम चीज़ें हैं, तो ये क्या रिक्वायरमेंट मनोज की तरफ से थी कि आप? नहीं नहीं, मेरी तरफ से थी ये, कि मैंने मंगवाया था कि थोड़ा कलरफुल चाहिए। कैसा केमिस्ट्री है कलाकारों के साथ जो? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मज़ा आ गया। थैंक यू। हालांकि फिल्म में हम लोग सब गेट अलॉन्ग नहीं करते, ये मेरे फादर हैं फिल्म में और ये दोनों के साथ गेट अलॉन्ग नहीं, लेकिन इस गाने में बीइंग इन द सेम प्लेस हम लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं। और ये गाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि मेरा एक सर्टन बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन चलो कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम करें। यस, ये फिल्म एक्चुअली इट इज़ अ पोलिटिकल सटायर एंड बोगस वोटिंग के बारे में है, काफ़ी कुछ है इसमें। एंड मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही एक सीधा भोला सा आदमी है और जो एक स्टैंड लेता है बिकॉज ही बिलीव्स कि जो वो कर रहा है सही कर रहा है, एंड उसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड जो बोगस वोटिंग का रैकेट है वो एक्सपोज होता है, कैसे होता है, क्या होता है उसके बारे में। आई थिंक पहली बार इसको इस्तेमाल किया गया, आई थिंक सो। जो सवाल लोग उठाते हैं एवीएम को लेके, शायद वो इसमें दर्शाया गया है कि एवीएम इट इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड, मतलब ये जो बोगस वोटिंग जो होता है मोर और लेस कैसे होता है एंड किस टाइप के लोग उसके पीछे होते हैं और ये कैसे इफेक्ट करता है लोगों को। एवीएम हैज नथिंग टू डू विद दिस, या नथिंग टू, एवीएम हैज कुछ भी इसके साथ में नहीं है, बट इट इज जो बोगस वोटिंग जैसे कुछ लोग जो करते हैं। अच्छा, तो इसमें केजरीवाल का किरदार कौन कर रहा है? केजरीवाल हमेशा सवाल, केजरीवाल कोई नहीं है, केजरीवाल सब हमारा रोल कर रहे हैं। मेरा कैरेक्टर एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है, एक यंग पॉलिटिशियन होता है जो यूथ नेता होता है, और वो एक ऐसा कैरेक्टर जो अरुण जी के अंडर में उनका सह क्या बोलते उसको अपना पंच क्या बोलते उनको उप सरपंच का कैरेक्टर है जो इनका चमचा होता है, लेकिन इनका चमचा इनके पीछे कैसे इनकी बैंड बजाता है वो मेरा कैरेक्टर है, लेकिन बैंड बजाने में फाइनली इसकी बैंड बजाती है। ये हिदायत की है जो पॉलिटिक्स की हायरार्की है, ये लेवल अगर देखा जाए पॉलिटिक्स में ये सब होता है,
और इसमें अगर एक डिप्टी है, अगर डिप्टी सरपंच है तो एक सरपंच है जो मैं रोल कर रहा हूँ, उसके बाद एक भाऊ है जो स्टाफ कर रहा है, उसके बाद एक एमपी है जो कि पार्लियामेंट में है, 1, 2, 3, 4, 5। प्लस पॉइंट ये है कि पब्लिक सोचेगी कि ये फिल्में कुछ ऐसा होगा कुछ ऐसा होगा, लेकिन उनकी सोच से सब उल्टा होता है, अनएक्सपेक्टेड सब चीजें होती है जो फिल्म के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, और ये इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और हम लोगों ने मिलके इसे अच्छा करने की कोशिश की है अभी आप लोगों के यहाँ। दैट्स ए फील गुड काइंड ऑफ थिंग, सब लोग दोस्त हैं, सब लोगों में आपस में कोई भी हैसियत नहीं है, तो हिमांगनी जी ने मुझको ऑफर किया कि वो शी हैज लॉट ऑफ इंट्यूशन वाइब्रेशन, उनको इंट्यूशन वाइब्रेशन हुई कि एक सुपर हिट गाना अरुण जी से, यानी मुझसे वो एक्सपेक्ट करती थी, और मैंने कुछ फिल्मों में म्यूजिक दिया है, 5-6 फिल्मों में एक 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 गाना किया है, और इसमें मुझको पूरी तरह से आज़ादी मिली, मुझे कहा गया कि एक गाना आपको सुपर हिट चाहिए जो कि फुट टैपिंग हो, तो मैंने एक गाना बनाया, उसका म्यूजिक भी मैंने दिया, उसको लिखा भी मैंने, गाया भी मैंने, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग गुड। मज़ा तब आता कि अगर आप रात को होते और वो गाना आप सुनते और डांस करते। अरुण जी दो लाइन अगर हो जाए वो गाना तो इट्स अ फंकी सॉन्ग, टोटो टोटो फंकी सॉन्ग, क्या अभी तो गणेश जी का गाना चल रहा है, हमारा गाना जो है पूरा फंकी है, वो है बेबी को पैग लगा दो, बेबी को पैग लगा दो, बेबी का मूड नहीं है या या या, बेबी को पैग लगा दो, बेबी का मूड नहीं है, बेबी को दो पैग लगा दो, बेबी का मूड बना दो या या या, बेबी को स्वर्ग दिखा दो, बेबी के होश उड़ा दो, बेबी को मोक्ष दिखा दो या या या, फिर से वो शरारतों का दौर शुरू हो गया, विलेन का रोल करो, हीरो से मार खाओ, उसके बाद उसके लिए गाना गाओ, उसी के लिए प्लेबैक करो, दिस इज अ फैंटास्टिक, आई एम सो ऑनर्ड, थैंक्स टू हिमांगनी जी एंड जी साहब जिन्होंने मुझे गाना दिया, मुझे और क्या चाहिए, इस फिल्म ने मुझे बहुत ही दिया है, मैं अभी आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि ब्लेस आर फिल्म, ब्लेस माई को एक्टर्स, ब्लेस माई डायरेक्टर, ब्लेस द स्क्रिप्ट, ब्लेस द प्रोड्यूसर्स, ताकि ये फिल्म जो है एक बहुत ही अच्छी बड़ी है।